आज सागर जिले के राहतगढ़ में वसीम खान जिला महामंत्री युवा कांग्रेस के नेतृत्व और विवेक वर्मा नगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस राहतगढ़ की अध्यक्षता में आम जनता के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उपचुनाव में कोरोना काल के माफ किए गए बिजली बिलों की वसूली दिए जाने के नोटिस के विरोध में SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर विद्युत विभाग का घेराव एवं तालाबंदी की। इस मौके पर कोई भी अधिकारी मौजूद न होने से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम भी किया। बाद में स्थगित बिजली बिलों की वसूली तत्काल बंद करने की सरकार एवं प्रशासन से पुरजोर मांग उठाई। राहतगढ़ तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर वसीम खान ने कहा, भाजपा सरकार के झूठे वादों से जनता परेशान है। उपचुनाव में वोटों की लालच के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बिजली बिल माफ किए गए थे। आज आम जनता को धमकी भरे नोटिस भेजे जा रहे हैं, इसका युवक कांग्रेस विरोध करती है। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। ऐसे कई लोगों को 10,000 रुपए के बिल दिए गए हैं, इसका हम लोग युवक कांग्रेस एवं समस्त कांग्रेस परिवार खुलकर विरोध करते हैं। एवं कल जानकारी प्रशासन को दी गई थी कि हम लोग विद्युत मंडल का घेराव करेंगे आम जनता के साथ, लेकिन अभी तक तहसीलदार महोदय या SDM महोदय परेशान नहीं है। मान्यता के आधार पर बिजली बिल माफ किए जाना आवश्यक है। गरीब जनता के बिजली बिल माफ हो, इस ओर दिए गए बकाया नोटिस को तत्काल निरस्त कराए जाए व बिजली बिल माफ हो, इस ओर अग्रिम कार्रवाई की जाए, अन्यथा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।